गोविंदगढ़ कस्बे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड की ओर से सोमवार को थाने में सभी केंद्रों के पेपरों को रखवाया गया। सभी केंद्र वीक्षकों ने अलमारियों में अपने पेपर रखकर सील लगाई। कोऑर्डिनेटर मनोज बाली ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अलवर से बसों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपरों को लाया गया है और थाने में सुरक्षित रखवा दिए गए हैं। पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हो सके इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। यहाँ अलवर यशवंत स्कूल से बस के द्वारा पेपरों को पुलिस कर्मी की सुरक्षा के साथ यहाँ सभी थाना प्रभारियों के थाना में पहुँचाए गए हैं। गोविंदगढ़ परिक्षेत्र के लगभग 6 परीक्षा केंद्रों के पेपर आज थाने में अलमारी में रखे गए हैं, क्योंकि थाना में 24 घंटे पुलिस रहती है, पेपरों की सुरक्षा पूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर पेपर कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं, जिनकी उपस्थिति में ही अलमारी खोली जाएगी। कोई भी केंद्राधीक्षक बिना पेपर कोऑर्डिनेटर की गैर मौजूदगी में पेपर नहीं खोल सकता है और पेपरों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम सरकार के द्वारा किया गया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, प्रिंसिपल रामबास।